गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सब्जेक्ट हिंदी। ई की मात्रा, ये क्या है? बड़ी, बड़ी की मात्रा। ये बड़ी की मात्रा के शब्द है जो आपको पढ़ना है, जैसे कि ईख, ईंट, ईसा, दीप, चील, तीर, परी, ताली, छतरी, हाथी, मछली, घड़ी, लड़की, चीता, सीटी। ओके, इन सभी शब्दों को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पेज पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। ये क्या वर्ड है? ख। ख पर अगर ई की मात्रा लगा दी तो खी। ये क्या शब्द बन गया? खीर। ऐसे ग, गी, गीला। ल, ल पर ई की मात्रा लगाई ली तो खाली। ओके, इस तरीके से आपको इनको पढ़ना है। ओके, ये नीर, तीर, वीर, ये सभी बड़ी की मात्रा के शब्द हैं। आपको इन सभी शब्दों को पढ़ना है। ओके, दिवाली आई, गीता की चाची आई, नानी मिठाई लाई, मिठाई खा, दीप जला, गरीब को मिठाई खिला, दिवाली मना, दादी खील, बतासे लाई, बिजली जला, सफाई कर, सतीश आ, नई कमीज पहन। ये सब बड़ी की मात्रा के शब्द हैं, आपको इनको पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट पे कविता गाइए। मछली पीती खारा पानी, नानी पीती मीठा पानी, जीवन ही सबका है पानी, जग हरसाया पीकर पानी। ओके, इस कविता को आपको याद करना है। ई की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। ये क्या है? खर। खर पर हमें ई की मात्रा लगानी है, जैसे ख पर ई की मात्रा लगाई तो खीर। जैसे नेक्स्ट है दवाल, दवाल पर हमने अगर बड़ी की मात्रा लगा दी तो दीवाल, दी वा लो। ओके, इस तरीके से आपको ये आपका क्लास वर्क है, ये होमवर्क है। जैसे कि तर, तर पर आपको बड़ी की मात्रा लगानी है, जैसे तीर। ऐसे लड़क, तो बड़ी की मात्रा लगानी है लड़क की। ओके, इस तरीके से आपको इन शब्दों को पूरा करना है। चित्रों को देखकर उनको नाम लिखिए। ये क्या चित्र दिखाई दे रहा है आपको? दीपक, तो आपको यहाँ पर दीपक लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्या है? तीर, तो आपको यहाँ पर तीर लिखना है। नेक्स्ट है घड़ी, तो आपको यहाँ घड़ी लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है परी, आपको यहाँ परी लिखना है। ओके, इस तरीके से आपको, ये आपका क्लास वर्क है, ये होमवर्क है, ये आपको चित्रों को देखकर उनके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है थर्ड, चित्रों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। ये क्या चित्र दिखाई दे रहा है आपको? सीटी, तो आपको यहाँ पर सीटी लिखना है। सीटी मत बजाओ। ठीक है, नेक्स्ट है तीन, तो आपको यहाँ पर लिखना है तीन बज गए। ओके, इस तरीके से आपको इन ये दो वर्ड है, ये दो शब्दों को भी आपको पूरा करना है। ठीक है, जैसे चिड़िया उड़ गई, दीपक जलाओ। ओके, इसको इस तरीके से कंप्लीट करना है बड़ी के मात्रा के शब्दों को।